आज मैं आपको वो पांच जरूरी नंबर बता रहा हूं जिन नंबरों को आपको खास तौर पे अपने बिजनेस पे ध्यान रखना चाहिए और ये वो नंबर है जिन्हें आपको ट्रैक भी करना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इन नंबर को ट्रैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जब ये नंबर आपकी नजरों के सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे काम कहाँ करना है। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो ये पांच नंबर आपकी पकड़ में होने चाहिए और आपको हमेशा देखते रहने चाहिए क्योंकि इन्हीं नंबरों से सारी की सारी चीज निकल के आती है। और अगर आप इन नंबरों में इंप्रूवमेंट ले आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी बहुत सारी ग्रोथ सिर्फ ये वाली चीज टाइट करने से ही हो जाएगी। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कैसे ये पांच नंबर जरूरी हैं और कैसे अगर आप थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट इन नंबरों पर लेके आए तो कैसे आपकी कंपनी ग्रो हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना बोल्ड प्रॉमिस बताता हूं। मेरा बोल्ड प्रॉमिस ये है कि बिना पैसे खर्च किए अगर आप ये वाला सिस्टम फॉलो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी और वो भी 60-70%। और मैं आपको बताता हूँ इसके लिए ना आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको तीन नंबर बताऊंगा, दो नंबर बाद में बताऊंगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। तो देखिए भाई ये जो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है ये क्या होता है। देखिए कंपनी तब ग्रो करती है जब रेवेन्यू ग्रो करता है। तो हमें यह समझना चाहिए, उस चीज की डिटेल में जाना चाहिए कि रेवेन्यू होता क्या है और कैसे बनता है रेवेन्यू और कौन सी चीजें हैं जो रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करती हैं। क्योंकि जब आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस चीज के बेसिक में लेके जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा आज मैथ की तरफ भी लेके जाऊंगा इस चीज को समझने के लिए। फिर आपको बताऊंगा जब आप ये नंबरों को समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप बिजनेस में कोई एक्टिविटी कर क्यों रहे हैं और वो जो आप एक्टिविटी करते हैं उससे किस जगह पे फर्क आता है और कितना फर्क आता है। तो देखिए रेवेन्यू दो चीजों से बना होता है। ये जो पहली चीज होती है वो होती है ऑर्डर्स। ऑर्डर मतलब आपके कितने सक्सेसफुल ऑर्डर हैं या जिसे आप सेल कहते हैं। अलग अलग चीजें होती हैं, आप जिस तरीके के बिजनेस में हैं उस तरीके की चीजें वहां पे होंगी, तो इसे कहते हैं ऑर्डर। उसके बाद दूसरी चीज होती है वो होती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब आपका औसताना एक ऑर्डर का कितनी वैल्यू होती है। मान लीजिए जैसे आपने 100 ऑर्डर बेचे 100 रुपए के, राइट। तो इसमें जो 100 रुपए हैं वो आपके एवरेज ऑर्डर वैल्यू है कि भाई सारे मैं ऑर्डरों को मिला दूं, उनका टोटल कर लूं और उसे डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स से तो क्या होगा, आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिल जाएगी। अब पहले ऑर्डर्स पकड़ते हैं। ऑर्डर्स कैसे आते हैं? ऑर्डर में होता है टोटल विजिट्स। टोटल विजिट्स का मतलब किसकी विजिट? उन लोगों की जो आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ये आपके वेबसाइट का ट्रैफिक हो सकता है। अगर आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस है तो ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके पास आए पूछताछ करने आए, भाई साहब ये क्या है, ये क्या है। ये क्या होते हैं? विजिटर होते हैं, वो लोग जो आपके बिजनेस से इंटरैक्ट कर। अब सेकंड नंबर पे कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब ये जो लोग आपके बिजनेस से इंटरैक्ट करा जिन लोगों में, इन लोगों में से कितने लोग थे जो आपके कस्टमर बन गए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस पे रोज 100 लोग आते हो या 100 इंक्वायरी आती हो लेकिन 100 में से 20 ही कन्वर्ट होती हो। तो कन्वर्जन क्या है? 20%। इसका मतलब मुझसे मिलने, मेरे बिजनेस से इंटरेक्ट करने अगर 100 लोग आते हैं, अगर 20% का कन्वर्जन है तो मेरी सेल क्या है? 20 है। यानी कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 20 है। यानी कि ऑर्डर तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं बढ़ता हूं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर पे। यानी कि मान लीजिए मेरे 20 ऑर्डर आते हैं, एवरेज वैल्यू मतलब हर ऑर्डर पे मान लीजिए औसत रूप से मैं 500 रुपए कमाता हूं, तो ये क्या हो गई? एवरेज वैल्यू हो गई मेरे ऑर्डर की, कि एक ऑर्डर मेरा 500 रुपए का बिकता है तो मेरा टोटल मंथली रेवेन्यू कितने का हो गया? 1000 रुपए का हो गया। क्या वाली चीज क्लियर है? यानी कि अब मुझे ये देखना है कि ये क्या चीज है। फिर क्वेश्चन ये है, ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो
अगर मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर में ऐड कर दूं, यानी कि मेरा कस्टमर अगर मुझसे 500 रुपए का सामान खरीदता है, तो किसी तरीके से मैं जरिया बना दूं कि मैं उसे 500 की जगह 600 रुपए का सामान बेचने लगूं, तो क्या हुआ, जो मेरी एवरेज वैल्यू थी वो 500 की जगह क्या हो जाएगी, 600 रुपए हो जाएगी। मतलब वो जो खरीदने आया था उसके साथ अपसेल कितनी हुई। जैसे आप मैकडोनल्ड पे जाते होंगे, मैकडोनल्ड पे आप उससे कहते हो भैया मुझे एक वेजिटेरियन बर्गर दे दो, वेजिटेरियन बर्गर आपका 20 रुपए का है, मैकडोनल्ड वाला आपसे पूछता है कि सर क्या आप मील लेंगे, तो आप पूछते हैं मील में क्या होता है भाई, उसमें क्या भाई मील में आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी और फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, तो आप कहते हैं मील कितने का है, तो कहता मील सर 30 रुपए का है। आप कहते हैं फ्रेंचाइज की ये जो फ्रेंच फ्राइज है इसकी अपनी कीमत तो खुद ही 15 रुपए है, कोल्ड ड्रिंक भी 10 रुपए की है, ये तो 50 रुपए की चीज 30 रुपए में मिल रही है, तो क्या करते हैं आप खरीद ले। तो एवरेज वैल्यू कितनी थी मैकडोनल्ड की उस समय, 20 रुपए, लेकिन क्या हुआ उसने आपसे कितने रुपए ले लिए, 30 रुपए। अब ये बताता हूं कि कौन से तीन नंबर हैं। पहले तीन नंबर टोटल विजिट्स, कन्वर्जन और एवरेज वैल्यू एडेड परचेस। या तो टोटल विजिट्स बढ़ा दीजिए, जब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो इस नंबर पे फर्क आता है टोटल विजिट्स पे, यानी कि आप वो वाला एफर्ट मार दीजिए किसी तरीके से, यार मैं अपनी नंबर ऑफ विजिट्स किसी तरीके से जो मेरे बिजनेस पे लोग आते हैं उनको बढ़ा दूं। तो क्या नंबर ट्रैक करना है, टोटल विजिट्स। सेकंड कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब है, कन्वर्जन का मतलब है कि मान लो 100 लोग थे, आज क्या होता है 100 में से सिर्फ 20 ही कस्टमर बनते हैं, आपने कुछ ऐसा करा कि 20 की जगह अब आपके 30 कस्टमर बनने लगे, तो क्या हो गया, आपने अपना सेल्स का कन्वर्जन बढ़ा लिया। तो ये फंक्शन किस चीज का होता है, सेल्स का। जब आप अपनी सेल्स की टीम की बात करते हो, अपने सेल्स की बात करते हो, अपने सेल्स को बेटर करते हो, तो किस चीज पे फर्क आता है, इस कन्वर्जन पे फर्क आता है। अब तीसरा एवरेज वैल्यू एडेड परचेज, मतलब मान लीजिए एक कस्टमर आपको 500 रुपए देता था, तो आपने क्या करा, मान लीजिए जैसे आप बाटा की दुकान में गए, बाटा की दुकान में क्या होता है, जब आप जूते खरीदते हो तो मान लीजिए आपने 1000 रुपए का जूता खरीदा, तो उसने क्या करा 200 रुपए की आपको जूते की पॉलिश भी दे दी, तो क्या हुआ, आप जो 1000 रुपए का आइटम खरीदे थे वो उसने 1200 का कर दिया। तो जब आप ये वाला काम करते हैं तो क्या होता है, आपकी हर कस्टमर से आप ज्यादा पैसा लेना शुरू कर देते हैं। ये वाली चीज किस चीज का फंक्शन होता है, ये वाली चीज होता है सेल्स और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फंक्शन। इसका मतलब अपने एग्जिस्ट सोचना दिमाग में कि मेरा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है इससे मैं और कितने ज्यादा पैसे ले सकता हूं, इसको जब ये खरीदने आया है तो बाकी चीजें और क्या इसे दे सकता हूं जो कि मुझसे ले ले, क्यों, क्योंकि जो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है उसके साथ मेरा ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ होता, वो आपको ट्रस्ट करता है, तो आप अगर कोई और चीज भी देंगे वो उस चीज में भी ट्रस्ट लेगा और वो आपसे ले लेगा। जैसे बाटा ने शुरू में सिर्फ जूते बनाए, लेकिन उसने यही सोचा होगा कि यार जूतों पे तो मुझे 1000 रुपए मिलते हैं एक कस्टमर से, तो ऐसा करता हूं यार पॉलिश भी बना देता हूं। तो क्या हुआ, लोगों ने देखा जूते, उसने अपने सेल्स टीम को ट्रेन किया, उसने कहा सर देखिए जूतों की अगर आप लाइफ ज्यादा जाते हैं ना तो इस पर पॉलिश करनी पड़ेगी, इसे सही से मेंटेन करना पड़ेगा, तो क्या करिए यह पॉलिश भी ले लीजिए। आपने कहा चलो हाँ यार ये वाली बात तो सही कर रहा हूँ, 200 रुपए का और ले लिया, तो बाटा वाला जो पहले आपसे 1000 रुपए कमाता था अब वो 1200 रुपए कमाता है। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूं कि भाई मैं कैसे क्लेम कर रहा हूं कि 60-70% ग्रोथ आ जाएगी। एक केस लेते हैं, मान लीजिए हमारे बिजनेस में पहले महीने में 1000 लोग आ रहे हैं, अब उसमें से क्या करा, मेरा कन्वर्जन मान लीजिए 20% का है, यानी कि हर 1000 में से 200 जो हैं वो हमारे क्या करेंगे, कस्टमर बन जाएंगे। मान लेता हूं मेरा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो है 500 रुपए की, मतलब एक ऑर्डर पे मैं 500 रुपए कमाता हूं। अब क्या हुआ, इससे रेवेन्यू कितना हो गया मेरा, 1,00,000 का रेवेन्यू हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं सिर्फ टोटल विजिट मतलब मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग को आप 15% इंप्रूव नहीं कर सकते। मान लिया कि मार्केटिंग हमने सिर्फ 15% इंप्रूव करा, अपनी सेल्स में सिर्फ 15% इंप्रूव किया। मैं आपसे ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं कि आपका जे कर्व आ गया, आपने दुगना कर लिया, तिगना कर लिया, मैं रीजनेबल बात कर रहा हूं जो सच बात है। 15% ग्रो कर लिया और आपने किसी तरीके से नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करके अपने एवरेज ऑर्डर की वैल्यू भी 15% बढ़ा। क्या ये छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं, इतना छोटा सा चेंज लाने में देखिए ये 1000 के लोग
1150 हो गए 15% पे, मतलब जो मेरी टोटल विजिट थी वो मैंने बढ़ा के 1150 कर दी, सिर्फ छोटे से इंप्रूवमेंट करके मार्केटिंग में। इसमें ना कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, इसके लिए आपको फंड लाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे सी चीजों से ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट आ जाते हैं और सबके अंदर होते हैं ये वाले इंप्रूवमेंट। अगर आप कायदे से अंदर जाकेंगे ऐसे नहीं कर, 15% तो मैंने बहुत ही मिनिमम लिया है, अगर तमीज से काम करेंगे 30-40% ये तो मैंने बहुत रियलिस्टिक मतलब से भी कम फिगर लिए। अब 20% पे 15% अगर मैं कन्वर्जन बढ़ा दूं तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% का 15% होता है 3। अब मैंने कहा मैंने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया एक बहुत छोटा सा, जिससे मेरी एवरेज वैल्यू बढ़ गई। जब ये एवरेज वैल्यू बढ़ गई तो 500 का 15% हो गया 75, यानी कि मेरी जो एवरेज ऑर्डर की वैल्यू हो गई वो हो गई 575। अब देखिए यानी कि शुरू में जो मेरा नंबर था वो मेरा नंबर था 200 लोग का 20% कन्वर्जन पे, राइट। अब क्या है, अब मेरी टोटल विजिट है 1150 और कन्वर्जन है 23% का, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकले कितने लोग, 265। इस 265 को जब मैं इस 575 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा नंबर आता है 152,088। अब देखिए आप सिर्फ 15% के छोटे छोटे इंप्रूवमेंट जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होती, हर बिजनेस में होते हैं, अगर आप कायदे से ये वाला काम करेंगे तो आप देखेंगे ये जो 1,00,000 की जगह अब आपके जो रेवेन्यू होगा वो कितना हो गया, 152,000, यानी कि जो अब आपकी ग्रोथ हो गई वो ग्रोथ हो गई आपकी 52% ग्रोथ। और इसे मैं प्राइमरी ग्रोथ कह रहा हूं, मैं इसे प्राइमरी ग्रोथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आ रही है, लेकिन इसके साथ आपकी सेकेंडरी ग्रोथ भी आएगी और यहां पे आएंगे आपके नंबर 4 और 5 जो आपको ट्रैक करने चाहिए, वो नंबर आपका रिपीट का नंबर और रेफरल का नंबर। इसका मतलब जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनमें से कितने रिपीट करते हैं और कितने रेफरल करते हैं, ये नंबर आपका तब अच्छा होता है जब आप जो कस्टमर से प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, तब आपका ये नंबर बढ़ता है। क्या ये वाली चीज क्लियर है, ये ग्रोथ जो है ये आराम से 100% हो जाती है, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपने ही कामों को कायदे से करना शुरू कर दें। मैंने आपसे 2 क्लेम किए थे, 0 एक्सपेंस में कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा इस वाली चीज में, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग चीजों को सही कर रहा और इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। ये वाली जो ग्रोथ है ये आपने प्लेट पे छोड़ रखी है, ये वो खाना है जो आप खा ही नहीं रहे और आपके पास रखा हुआ। मैं आपको बताता हूं हमारे बहुत सारे बिजनेस के भाई लोग हैं जो क्या करते हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस वाली चीज पे जोर नहीं देते, वो किस चीज पे लगे रहते हैं, वो डिलीवरी में लगे रहते हैं, ग्रोथ यहां पे रखी हुई है, वो अपने पूरे सिस्टम को लीवरेज नहीं करते और किस चीज पे काम करते हैं, वो सिर्फ यहां पे काम कर रहे होते हैं रिपीट और रेफरल पे। आप देख लीजिए सिर्फ डिलीवरी में ही लगा होता आदमी, भैया ऑर्डर आ गया चला गया, उनकी दुकानें सिर्फ रिपीट और रेफरल से चल रही हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से इस चीज को समराइज कर देता हूं और आपको बता देता हूं वो 5 इंपॉर्टेंट नंबर कौन से हैं। इस फनल को देखते हैं, ये टॉप ऑफ द फनल है जिसमें मैं मार्केटिंग कहता हूं। जब आप अपनी मार्केटिंग पे काम करते हैं तो आपके नंबर ऑफ विजिट्स बढ़ती हैं, आपको इस नंबर को ट्रैक करना। उसके बाद हम फनल के नीचे जाते हैं, इस फनल में 2 नंबर होते हैं, सेल्स कन्वर्जन, इसका मतलब जितने लोग आपके पास आते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स और इंक्वायरीज आपके कस्टमर भी बनने चाहिए, आपको ये नंबर ट्रैक करना चाहिए। जो 3rd नंबर का नंबर आपको ट्रैक करना चाहिए वो है एवरेज सेल्स वैल्यू। एवरेज सेल्स वैल्यू का मतलब कि अपने कस्टमर से आज अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 150 कैसे कमाऊं, कैसे वो वाला एफर्ट मारूं जिससे मैं सेम कस्टमर से ज्यादा पैसा कमा पाऊं, जिसमें अपसेल और क्रॉस सेल आती है, आपको ये नंबर ट्रैक करना होता। उसके बाद आप बॉटम फनल पे आते हैं, जब कोई आपकी जो इंक्वायरी या लीड होती है वो आपके कन्वर्जन के बाद जब आपका कस्टमर बन जाती है उस जगह पे आपको ये करना होता है, कैसे मैं इसे इतनी अच्छी सर्विस दूं कि ये मुझसे रिपीट ऑर्डर ले। तो एक बार कस्टमर आपका बन गया है तो वो कस्टमर आपका हो जाना चाहिए, तो आपको ट्रैक करना चाहिए मेरा रिपीट का रिकॉर्ड कैसा है। और 5वें लेवल पर मुझे रेफरल कितनी मिलती है इन वाले ऑर्डरों से जो मेरे कस्टमर बनते हैं। अगर आप इन 5 नंबरों को ट्रैक कर लेंगे और इन पे काम करना शुरू करेंगे तो आपकी ग्रोथ आएगी, और मैं आपको वादा करता हूं, आपको एश्योर करता हूं कि 70% से 100% की ग्रोथ कहीं नहीं गई। और इसके लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, एकदम नो इन्वेस्टमेंट पे होता है ये वाला काम और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर आप सही से काम करेंगे तो, ये वाली चीज मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं
और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। इसी वाली चीज़ से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीज़ों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़, मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीज़ों पे चैंपियन बनना पड़ेगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूँ। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीज़ें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे CA, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। सो इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं।
दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।